अपने बेटों को भी धन्यवाद दीजिए, जो अच्छा कर रहे हों आपके घर में उनको थोड़ा अधिक प्रशंसा भी कीजिए, कभी कभी उनको ज्यादा प्रशंसा भी करो, रोज ना करो कभी कभी। ये प्रशंसा बहुत बड़ी चीज है और यथार्थ प्रशंसा कीजिए, अच्छा करने वालों को शुभकामनाएं भी कीजिए कि आपकी वजह से सब ये हुआ है। क्योंकि घर में काम तो सब करते हैं लेकिन उसमें एक व्यक्ति मास्टर माइंड होता है, एक व्यक्ति जो है वो मेन होता है, उस मास्टर माइंड का ही सारा खेल होता है। काम करने से केवल उन्नति नहीं होती है, मास्टर माइंड के प्लान से उन्नत होती है, उसके डिसीजन से उन्नत होती है। कितनी फायर कर दो, सारी कारतूस खत्म कर दो, लेकिन एक चिड़िया भी नहीं मर सकती है। अगर निशाना सही लगा दिया है तो एक फायर काफी हो जाती है। मास्टर माइंड केवल निशाना लगाता है तो थोड़े परिश्रम से भी सफलता मिल जाती है। अभी अंदाज लगाइए कि आपके घर में, आपके आश्रम में, आपके ऑफिस में मास्टर माइंड है कौन, आपकी पार्टी में, राजनीति में मास्टर माइंड है कौन। और जो मास्टर माइंड है, कृपया थोड़ा शब्द भी संभाल कर उसके लिए बोलिए। उस एक के बिना पूरी पार्टी फेल हो सकती है, उस एक के बिना पूरा घर फेल हो सकता है, उस एक के बिना पूरे आश्रम का विकास रुक सकता है। अगर एक को संभाल लिया तो अनेक लोगों का भी सम्मान बढ़ सकता है और उन्नति हो सकती है। और मास्टर माइंड आपका पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है। अभी मैं राजस्थान में था तो एक घर में पधरौनी गया तो हमने पूछा तुम्हारे घर में मालिक कौन है, तो बोले परदादी है, परदादी। तो हमने कहा कहाँ है, बोले ये बैठी है। तो बहुत बूढ़ी थी तो हमने कहा आप मालिक हैं, कहने गुरु जी अब हम एक घर चलावत पर थे, कोई चलवैया नहीं है, सब अवसर लड़ जी। तो उसके लड़कों ने कहा कि बूढ़ा मुँह हो गए नहीं, क्योंकि चौथी पांचवी पीढ़ी आई गई है और पर दादी हो गई है, तो बहुत बुद्धिमान है। गांव से कहीं की कोटा शहर में चलिए, वहां मकान बनाइए, मार्केट बनाइए, जो नहीं कहीं वह करें, आज हम लोग बड़े खुशहाल हैं। कभी कभी बूढ़ी दादी भी मास्टर माइंड का काम करती है और कभी कभी आपका गुरु मास्टर माइंड का काम करता है, कभी गुरु भाई मास्टर माइंड का काम करता है और कभी कभी कोई आपका शिष्य भी मास्टर माइंड का काम कर सकता है। और जो मास्टर माइंड का काम कर रहा है बहुत ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंस है, जिसका डिसीजन सुपर है, उस व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करो। और जितना उसको प्रसन्न रखोगे ऐसे ऐसे डिसीजन लेगा, तुम्हारे घर की गरीबी को लाखों कोस दूर फेंकेगा और उठाकर ऊंचे ले जाएगा, सारे परिवार को आगे बढ़ा देगा। कितने घरों में जितने सदस्य हैं उतनी दिशाओं में जा रहे हैं, सब हरफन मौला, कोई ठिकाने नहीं, हरफन मौला, कोई की बात कोई सुनते नहीं, पूरा घर तबाह हो गया। कहें कबीरी कल है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कबीर साहब कहते हैं ये जो मनुष्य के कर्म है, ये जो आपके शरीर रूपी प्रारब्ध के करवा में भरा हुआ है वही भोगने के लिए आपके लिए निकलेगा, जो आपने कर्म करके भर रखा है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मोशनते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते, एकः पापानि कुरुते फलं भुगते महाजना भोक्तारो विप्रम उच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्म उसको फल भी देता है। कर्म में तुम स्वतंत्र हो, फल देने में कर्म स्वतंत्र है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो,
और फल देने में कर्म स्वतंत्र है। इसलिए अगर फल अच्छा चाहते हो, कर्म अच्छे कीजिए तो फल अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दु मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। बहुत ज्यादा जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपनी प्रशंसा की भूख को भी मिटा देता है और निंदा की चोट से घायल नहीं होता है और प्रशंसा सुन करके फूलता नहीं है, क्योंकि ये दोनों ब्रेकर होते हैं। अगर प्रशंसा की भूख है और निंदा का घाव लग जाता है तो आप विकास करने में पीछे रह जाओगे। इन दोनों से पार होइए और अपना कार्य कीजिए। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं बहुत कुछ तुमसे बात करें यार, तुमका टीवी में देख रहे, कहा छुट्टी नहीं जो कुछ कही तुमसे, ये मंच पर कहा बोली, पीछे से लोग ढकेला थे। तो हमने कहा आनंद करो, कुछ मत कहो, श्रद्धा है बस, ठीक है। प्रशंसा सुनने में भी वक्त खराब होता है और खुद के अंदर प्रशंसा की भूख होना भी नहीं चाहिए। अगर ये भूख है तो तुम एक रस निरंतर उस कार्य को कर नहीं सकोगे। जिस रोज प्रशंसा कम मिलेगी उस कार्य को छोड़ बैठोगे, और प्रशंसा की भूख से तुम मुक्त हो तो कोई सम्मान करे ना करे लेकिन तुम अपने कार्य को निरंतर करते रहोगे, और जिस कार्य में निरंतरता बनी रहती है वह कार्य एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है।